फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये मेरा चैनल का इंटरफेस है। आप अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम लाइव एनालिसिस, लाइव यूट्यूब लाइव भी करते हैं और डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो डालते हैं, नेक्स्ट डे के लिए जो वीडियो होते हैं। तो ये चैनल का इंटरफेस है। आप अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो आपको राइट हैंड कॉर्नर में जो QR कोड दिख रहा है, इसे आप मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, कल का जो मेरा वीडियो का एनालिसिस वीडियो जो मैंने डाला था, डेली एनालिसिस, उसमें मैंने ये वाला टारगेट दिया था 21,587 का, जो कि आज अचीव हुआ है। मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में ये वाला टारगेट एग्जैक्टली टच करके मार्केट नीचे आया है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर भी गया था। तो ये वाला जो है, मैंने 9:08 में ही डाल दिया था ग्रुप में कि मार्क दिस लेवल। बाद में अगर देखेंगे तो 9:38 टारगेट डन हो चुका था, 9:38 को टारगेट डन इन निफ्टी। तो ये देख सकते हो आप 21,588 जो है, ये वाला 87 का जो था, एग्जैक्टली वहाँ पे टच किया है मार्केट ने। और बाद में अगर देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, ये वाला एक मैं बैंक निफ्टी का मैंने लेवल अपडेट दिया था। ये वाला जो लेवल है, ये वॉच कर सकते हो आप, इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है। ये 11:10 में मैंने दिया था, और जब 1:45 तक आया था मार्केट ने, वो ब्रेकडाउन किया था, यहाँ पे था मार्केट जब मैंने दिया था, तो उसके बाद में मार्केट सीधा नीचे आया। तो ये लेवल मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था। और निफ्टी के जो डाउन साइड के जो टारगेट थे, ये भी मैंने दिए हुए थे। ये मैं बहुत दिन से चिल्ला के बोल रहा था कि डाउन साइड में एक करेक्शन पेंडिंग है। तो डाउन साइड के लिए जो टारगेट थे, अपने पूरे टारगेट अचीव हो चुके हैं। बैंक निफ्टी के भी कुछ टारगेट थे, तो ये वाले निफ्टी के टारगेट अपने पूरे आ चुके हैं। तो ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये देखिए जो फाइनल टारगेट था, ये वाला, ये भी हमारा आ चुका है। तो मैं दिखाऊँगा आपको चार्ट पे। तो कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, बहुत ही शानदार ये फॉल आया है आज, शार्प फॉल मिला है हमें। ये वाला जो था हमारा टारगेट था, जो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में दिया था कि ये वाला जो टारगेट है, ये आज आ सकता है। तो एग्जैक्टली वही से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। मार्केट ने यहाँ पे अपना टारगेट टच करने के बाद में एक एम पैटर्न बना के फिर मार्केट ने डाउनफॉल दिया है। तो नीचे वाले जो हमारे पास लेवल मार्क थे, जो मैं बहुत दिन से पिछले वाले जो भी एनालिसिस वीडियो है, तो मैंने ये वाले जो टारगेट्स हैं डाउन साइड के, मैंने अभी तक डिलीट नहीं किए थे। उसका रीज़न यही था कि जब भी मार्केट ये शार्प फॉल देने वाला है या करेक्शन आने वाला है मार्केट में, जो कि हर वीडियो में मैं बोल रहा था कि एक पेंडिंग है टारगेट। नीचे के साइड में जो है करेक्शन पेंडिंग है, इसलिए मैं ये वाले जो टारगेट्स थे, ये मैंने मार्क करके रखे हुए थे, जो कि यहाँ पे भी जो कुछ टारगेट पेंडिंग है, वो भी हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो अगर कल के लिए देखेंगे, कल का एकदम सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ये वाला सबसे अच्छा सिनारियो रहेगा हमारे लिए। क्योंकि अगर फ्लैट खुलेगा तो ये जो रैली आई है डाउन साइड की, तो ये कंटिन्यू हो सकती है। जहाँ तक दिख रहा है कि ये वाला जो गैप पेंडिंग है 20, ये जो टारगेट एक पेंडिंग है गैप फिलिंग का, तो 20,950 का ये जो एक गैप रीजन है, ये फिल होना अभी बाकी है। तो ये कहीं ना कहीं कल के सेशन में हमें फील होता नज़र आ सकता है, जो कि और 100 पॉइंट का एक रैली हमें कंटिन्यूशन देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो। सबसे अच्छा सिनारियो रहेगा
फ्लैट ओपन होके मार्केट ये वाला गैप फील करे, तो कल के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये वाला जो डे का लो है इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो सीधा सीधा ही मार्केट में शॉर्ट बनेगा 20,950 तक के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके सीधा ही ये गैप फिल कर देता है सॉरी, तो कल हमें ज़्यादा कुछ ट्रेड मिलने वाला नहीं है। फिर कल ट्रेड अवॉइड करेंगे हम, क्योंकि एक्सपायरी होने वाला है और गैप से ही अगर गैप डाउन से अगर ये वाला टारगेट फिल हो जाता है तो कुछ मिलने वाला नहीं इंट्राडे के हिसाब से। अगर मार्केट पुल बैक अगर देगा तो ये जो शार्प अगर फॉल हुआ है इसका अगर हम पुल बैक थोड़ा सा देखेंगे कहाँ तक आ सकता है, तो 21,250 तक का एक 100 से 150 जो पॉइंट का एक हमें पुल बैक देखने मिल सकता है। या तो ये वाला जो हमारा लेवल है एक 21,210 का, यहाँ तक का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो ये हम पुल बैक काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब पुल बैक आएगा तो यहाँ पे एक हमारे हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगा प्राइस एक्शन देख के। तो कल के लिए निफ्टी का बस इतना ही सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। बस फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो ये सबसे अच्छा हमारे लिए होने वाला है कल कंटिन्यूशन रैली के लिए। अभी चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे हमने डाउनसाइड के लिए ये वाले लेवल प्रोजेक्ट किए थे कि जब भी करेक्शन आएगा तो ये वाले लेवल्स आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो ये पूरे टारगेट अचीव हो चुके हैं, जो कि फर्स्ट टारगेट था 47,587 का, सेकंड टारगेट था यहाँ पे 47,450 का, और ये थर्ड टारगेट था 47,239 का। तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बन रहा है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये डे लो अगर ब्रेक होता है तो नीचे के लिए 46,979 ये वाला जो टारगेट है ये आ सकता है। फर्स्ट तो ये वाला जो गैप रीजन है ये फील हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट सीधा ही गैप डाउन ओपन होता है तो इसमें भी हमें इंट्राडे में कुछ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि ये वाला जो शार्प फॉल हुआ है तो ये कंटिन्यूशन में नीचे जा सकता है। बस शर्त यह है कि फ्लैट ओपन हो तो हमें इंट्राडे में मूव मिलेगा डाउनसाइड के लिए टिल 46,980 या 47,000 तक आप पकड़ चल सकते हो, जो कि एक साइकोलॉजी नंबर होने वाला है, राउंड नंबर होने वाला है बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर पुल बैक देने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए पुल बैक का जो ये लेवल्स होने वाले हैं ये वाला होने वाला है 47,583। ये वाला पुल बैक के लिए हमारे लेवल्स होने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट जो स्विंग है ये वाला हमें पुल बैक देखने मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है, जो कि थोड़ा सा कम लग रहा है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इतना शार्प जो फॉल हुआ है करेक्शन जो पेंडिंग था, तो ये वाला करेक्शन अभी शायद स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमें अच्छा सा फॉल देखने मिला है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। डे लो अगर ब्रेक होता है आज का तो हमें कंटिन्यूशन में रैली देखने मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होके भी अगर मार्केट थोड़ा सा इधर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेक डाउन देता है तो भी हम डाउन साइड के लिए ये वाले टारगेट देख सकते हैं। तो ये वाला गैप रीजन जो है 47,000 का ये हमारा फर्स्ट फील होते हुए दिखेगा सॉरी 47,136 का या 125 का ये पकड़ के चल सकते हैं। उसके नीचे अगर नीचे निकलता है तो 46,980 ये वाला टारगेट रहेगा। उसके नीचे अगर निकलेगा 46,757 ये मैंने टारगेट मार्क करके रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आपको भी अगर लाइव मार्केट में इंट्राडे के लेवल्स अगर अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
वहाँ पे टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के जो इंटरडे लेवल्स है ये वो हम प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पे जो QR कोड आपको दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, इसे आप मोबाइल से स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही था, लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए थे जो कि 15 दिन से मैंने ये लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। अपसाइड के लिए भी हमारा जो टारगेट था बैंक निफ्टी का वो आ चुका है, ये वाला जो हमने टारगेट दिया था ये पहले अचीव हो चुका है। और आज भी अगर देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं से एक रिजेक्शन लिया है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच करके जब नीचे आया था, ये सेकंड टाइम मार्केट ने टच करके आज नीचे आया है, जो शार्प डाउनफॉल दिया है मार्केट ने आज। ये शायद हो सकता है मार्केट करेक्शन पेंडिंग ही था, लेकिन मार्केट के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए था, शायद ये कोरोना का जो न्यूज़ आया है, नया वेरियंट जो निकला है कोरोना का, उस वजह से शायद ये ट्रिगर होके ये मार्केट करेक्शन स्टार्ट किया है। तो अभी देखते हैं ये वाला रैली जो है करेक्शन का, ये कंटिन्यूशन में हमें मिलता है या नहीं मिलता है, ये अभी कल के मार्केट में ही ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।